सबसे पहले अपने जाना टाइटल्स के अंदर, टाइटल्स में अपने सेलेक्ट करना है जो सबसे टॉप पर है उसे, और इसे टाइमलाइन के अंदर ऐड कर लेना है। अब इसकी लेंथ को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, पर यहाँ मैं 10 सेकंड कर रहा हूँ, तो 10 सेकंड तक इसकी मैंने लेंथ रखी है। उस पर अपने राइट क्लिक करना और एडिट करना है, और उस पर अपना टेक्स्ट लिख लेना जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो पहले अपने क्या है एडवांस पर करना है, और ऊपर की दो लेयर्स आपने डिलीट कर देनी है। थर्ड लेयर को अपने क्या है थोड़ा एडजस्ट करना है, मिडिल तक लेके आना है, मिडिल में उसको अपना टेक्स्ट लिख दीजिए। तो जैसे मैंने कहा वेलकम टू, फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कोई भी, पर यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्यूचर, जिसका आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्पेसिंग मैंने दी अब तक अप टू 6 तक की, तो स्पेसिंग भी आप अच्छी दीजिए ताकि अच्छा लुक दिखे स्नेटिंग का। एडमिशन लिखना अपने फेड, तो यहाँ अपने एडमिशन की जो लेंथ है उसको डिक्रीज कर लेना है, यानी एडमिशन जो है छोटा होना चाहिए। तो जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे इसको क्या कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं, या उसकी लेंथ वैसी रखिए जैसी मैंने इस वीडियो में रखी है। उसके बाद आप इस लेयर को 3 इक्वल पार्ट्स में कट करना है। तो आपने फर्स्ट कट लगाना है 3.8 पर, और दूसरा आपने कट लगाना है 6.16 पर। इससे क्या होगा आपकी जो टेक्स्ट फाइल वो 3 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगी, और आपने हर एक फाइल को जो है एडिट कर लेना है, टेक्स्ट एडिट कर लेना है जो आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ माई चैनल, और इस तरह आपने थर्ड को एडिट कर लेना है, लिख देना है अपना जो भी टेक्स्ट आप यहाँ लिखना चाहते हैं। उसके बाद आपने इस फाइल को जो एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट करना आपने दोनों फाइल इंपोर्ट करनी है, एक जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है और दूसरा जो आपको लिंक पे मिली थी स्मोक वाली को अपना लेयर 1 पे रखना है, और दूसरे को लेयर 2 पे। सिमेट्रिक को अपने एडिट कर देना है, एडिट पे जाके एडवांस्ड कंपोजिटिंग, और यहाँ आपने स्क्रीन कर देना है मल्टीप्लाई और ओके। अब स्मोक वाली फाइल को जो है आपने बारी बारी हर एक लेयर पर रखता रहना है। तो इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है इसे एक्सपोर्ट कर लेना है, तो आपको कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखेगा। अब यहाँ आपने क्या है इस फाइल को जो है एक्सपोर्ट कर लेना है। अब आपने बाकी फाइलें जो है इंपोर्ट कर लेनी है, बैकग्राउंड को अपने लेयर 1 पर रखना है, और अपनी जो सिनेमेटिक फाइल को अपने एक्सपोर्ट किया था अभी उसको मिडिल 2 पर रखना है। तो जितना भी फालतू एरिया उसको डिलीट कर देना है, और दोनों की लेंथ इक्वल रखनी है। अब एडिट पे जाना है, एडवांस कंपोजिटिंग, और यहाँ से चूज़ कर लेना अपने स्क्रीन, यहाँ इसको कर देना ओके। अब थर्ड वीडियो पार्टिकल्स को आपने उठाना है और अपने लास्ट लेयर पर रख देना है एकदम नीचे, और इसको भी आपने क्या करना है इक्वल रखना है साइज सबका। तो यहाँ से एडिट पर जाएंगे, एडवांस कंपोजिटिंग, और यहाँ से अपने चूज़ करना स्क्रीन, और इसकी जो अपने ओपेसिटी है वो डिक्रीज़ कर देनी है आपके अकॉर्डिंग। मैं 60-70 रख रहा हूँ, और ओके कर देना है। अब प्रीव्यू को रेंडर कर लेते हैं। तो इस तरह सिनेमैटिक ट्रेलर बना सकते हैं फिल्मोरा के अंदर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।